एक कोर्टरूम में आए दिन झगड़ा होना बहुत आम बात है। अब वो वहाँ मौजूद दो पार्टीज के बीच हो या दो वकीलों के बीच, पर एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट में देखने को मिली। कोर्टरूम में उस दिन बहुत जमकर झगड़ा हुआ। आप सोचेंगे कि इसमें कुछ नया तो है नहीं, पर आपको बता दे कि यहाँ झगड़ा दो पार्टीज या लॉयर्स के बीच नहीं बल्कि बेंच के दोनों जजेस के बीच हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आपको पता ही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने टेक्नोलॉजी को अपनाकर सारे कोर्ट्स को हियरिंग लाइव स्ट्रीम करने की सलाह दी है, जिसमें से गुजरात हाईकोर्ट ने भी ऐसे कदम उठाए हैं। गुजरात हाईकोर्ट अपने सारे बेंच की हियरिंग लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर करता है। हालांकि कोर्ट में उस दिन दोनों जजेस के बीच इतना झगड़ा हुआ कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस हियरिंग की लाइव स्ट्रीम यूट्यूब से बाद में हटा दी। अब आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ होगा तभी ऐसे कदम उठाए गए हैं। ये झगड़ा और किसी के बीच नहीं बल्कि जस्टिसेस बीरेन वैष्णव और मोना भट्ट में हुआ था। सीनियोरिटी के बेसिस पर जाए तो यहाँ जस्टिस बीरेन वैष्णव जस्टिस मोना भट्ट के सीनियर लगते हैं। मामला इतना बिगड़ गया था कि जस्टिस वैष्णव हियरिंग के बीच में ही उठकर चले गए थे। वहां मौजूद सारे लोग ये देखकर बहुत ही हैरान रह गए। गुजरात एडवोकेट्स एसोसिएशन के एक सीनियर मेंबर ने तो इस घटना को रेयर बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला शायद ही पहले कभी देखने को मिला होगा। मामले की शुरुआत होती है एक केस से, जिस पर इन दोनों जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी। दोनों जजेस एक फैसले पर सहमत हो नहीं पाए, इसलिए इतनी बहस हुई। खैर, अब आप सोचेंगे कि ये बहुत ही आम बात है कि जजेस के फैसले आपस में अलग रहते हैं, और ऐसे मौके हमने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी देखे हैं। पिछले हफ्ते के मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन केस का ही एग्जाम्पल ले तो उसमें जस्टिसेस बीवी नागरतन और हीमा कोहली ने अलग फैसले पास किए थे, जिसकी वजह से ये मामला एक दूसरे बेंच को पास करना पड़ा था। पर इस मामले में हैरानी की ये बात है कि जजेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद ये मामला इतना बड़ा हो गया कि बीच हियरिंग के दौरान जजेस अपने डिफरेंसेस की वजह से खुले आम झगड़ते दिखे। गुजरात एडवोकेट्स एसोसिएशन के मेंबर के अकॉर्डिंग, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड इज नॉट न्यू एंड इट इज कॉमन फॉर जूनियर जजेस टू रजिस्टर डिसेंटिंग व्यूज, बट इट इज अनयूजुअल फॉर सच डिसेंट टू बी एयर्ड ओपनली एंड मैलिशियसली। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस वैष्णव ने एक ऑर्डर पास किया था जिससे उनकी जूनियर जस्टिस मोना भट्ट खुश नजर नहीं आई। उन्होंने जस्टिस वैष्णव के कान में धीरे से ये बात बोली कि वे उनके इस ऑर्डर से अग्री नहीं करती है। बस फिर क्या था, जस्टिस वैष्णव इस बात से भड़क गए। जस्टिस वैष्णव ने जस्टिस भट्ट को फिर बोला, यू डिफर यार, यू हैव डिफर्ड इन वन मैटर सो डिफर हियर ऑल्सो। हालांकि जस्टिस भट्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यहाँ बात डिफरेंस की नहीं है, पर इस बात से जस्टिस वैष्णव खुश नजर नहीं आए और उन्हें एक दूसरा ऑर्डर पास करने को बोला। हालांकि जस्टिस भट्ट ने उन्हें बात फिर से समझाने की कोशिश की, पर जस्टिस वैष्णव बिगड़ गए। एक ऊंचे स्वर में उन्होंने जस्टिस भट्ट को एक दूसरा ऑर्डर पास करने को कहा एंड सेड, देन पास अ सेपरेट ऑर्डर, डू नॉट मर्मर। और इसके बाद बीच हियरिंग में से उठकर नाराज जस्टिस वैष्णव कोर्टरूम छोड़कर अपने चेंबर में चले गए। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा था कि ये बेंच दिन में किसी और मैटर की सुनवाई नहीं करेगी। अपनी आंखों के सामने दो जजेस को ऐसे झगड़ते हुए देख वहां मौजूद सारे लोग बेहद हैरान रह गए, और झगड़े के तुरंत बाद ये लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। हालांकि सूत्रों की माने तो बेंच ने लंच के बाद बाकी बचे मैटर्स की सुनवाई की है। हाउएवर, एज पर द लिंक्स मेड अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर वेडनेसडे हियरिंग्स, जस्टिस वैष्णव इज नॉट सिटिंग विद जस्टिस भट्ट एनीमोर। जस्टिस भट्ट को जस्टिस भार्गव करिया के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि बेंच में इस बदलाव को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। हालांकि आपको ये भी बता दे कि बुधवार को कोर्ट शुरू होते ही जस्टिस बीरेन वैष्णव ने जस्टिस मोना भट्ट से ओपन कोर्ट में माफी भी मांगी है। उन्होंने ये माफी कोर्ट में मौजूद सारे एडवोकेट्स और स्टाफ के सामने मांगी है, सेइंग दैट व्हाट हैपेंड ऑन मंडे शुडंट हैव हैपेंड, आई वाज रॉन्ग, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोर्ट में ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखना आम बात है, पर दो जजेस के बीच ऐसी लड़ाई पहली बार ही देखने को मिली होगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में भी दो जजेस जस्टिसेस M.Y. इकबाल और अरुण मिश्रा हैड एन हीटेड आर्ग्यूमेंट ओवर अ केस। दो जजेस के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत आम बात है, पर ऐसे खुलेआम कोर्ट में ये डिफरेंस शो करना अलग हो जाता है। जजेस को आगे से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी लड़ाई कोर्ट के वर्किंग को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इससे जनता का विश्वास जुडिशरी से कम होते जाता है। जजेस को ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि उनके बीच आए डिफरेंसेस किसी भी पार्टी को हार्म ना करे।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।